81 की खास खबर, विपक्ष ने महिला रक्षा मंत्री का अपमान किया, मोदी। नई दिल्ली आगरा में एक जनसभा संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राफेल सौदे पर चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि देश ने देखा है कि विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा में कैसे निर्मला सीतारमण का अपमान करने की कोशिश की, जब वे उनके झूठ के पुलिंदे एक एक कर खोल रही। पीएम मोदी ने कहा, देश में पहली बार एक महिला रक्षा मंत्री बनी और पहली बार देशवासियों की सुरक्षा एक महिला के हाथ में है। उस महिला रक्षा मंत्री ने विपक्ष को घुटनों पर ला दिया, उनके झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा, वे इतने परेशान हो गए हैं कि वे अब एक महिला रक्षा मंत्री के अपमान पर उतर आए हैं। यह न सिर्फ एक रक्षा मंत्री का अपमान है, बल्कि एक महिला तथा देश की महिला शक्ति का भी अपमान है। ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं को इसकी कीमत चुकानी होगी। मोदी ने यह हमला राहुल गांधी के जयपुर में एक जनसभा में मोदी पर हमला करने के संदर्भ में आया है। राहुल ने जनसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री ने संसद में राफेल मुद्दे पर अपना बचाव करने के लिए एक महिला का सहारा लिया और खुद इससे भाग गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान के लिए उनकी निंदा की और उन पर महिला द्वेष का आरोप लगाया। उन्होंने मोदी के आगरा में दिए भाषण का एक वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, संसद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के शानदार भाषण ने विपक्ष को शांत कर दिया। उनका सामना करने में असमर्थ विपक्ष उनका अपमान करने लगा। उन्होंने भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है। आज खबर में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब